ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, Asus ने अपने Zenfone Max Pro M1 के भारत में सक्सेस के बाद उसका नया सक्सेसर M2 को भी भारत में लॉन्च कर दिया। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं Asus Zenfone Max Pro M2 के बारे में। आइए देखते हैं कि आखिरकार Asus ने क्या कमाल किया अपने इस ब्रांड न्यू डिवाइस Zenfone Max Pro M2 के साथ। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पे एक नजर डालेंगे और साथ ही साथ प्राइस के बारे में भी जान लेंगे। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे शुरुआत में डिस्प्ले और डिजाइन के बारे में। आपको डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है 6.3 इंचेस का, एक 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला फुल HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक नॉच वाला डिस्प्ले। मैं आपको बता दूं कि आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन फ्रंट पैनल पे। आपको सुपर ब्राइट डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे डिजाइन की बात करें तो पीछे की ओर डिवाइस में देखें तो डिवाइस का जो पीछे का बैक पैनल है वो बहुत चमकीला है और साथ ही साथ आपको कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा ड्यूअल कैमरा सेटअप। उसी के नीचे आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा साइड बीच में और आपको कैमरे के सेटअप के नीचे देखने को मिलता है एक फ्लैश लाइट। अगर बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की तो प्रोसेसर के लिए यूज किया गया यहाँ पे क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 660 को, जो 1.7 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे 64 बिट की देखने को मिलती है। यह जो डिवाइस है आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा 3 GB की रैम 32 GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, 4 GB की रैम 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, और एक जो सबसे बड़ा वाला वेरिएंट है वहां पे आपको देखने को मिलेगा 6 GB की रैम 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ। ये जो डिवाइस है फिलहाल के लिए एंड्रॉइड 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा ओरियो, और साथ ही साथ ये जो डिवाइस है फुल्ली आउट ऑफ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस में फुल्ली स्टॉक एंड्रॉइड। यहाँ पे किसी प्रकार का आपको कस्टमाइजेशन यानी कि कस्टम UI देखने को नहीं मिलेगा। अगर कैमरे की बात करें तो आपको इस डिवाइस में रियर साइड में देखने को मिलता है ड्यूअल कैमरा और फ्रंट साइड में है सिंगल कैमरा। फ्रंट साइड में आपको 13 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जहां पे आपको f2.2 की अपर्चर देखने को मिल जाती है जिसके माध्यम से कमाल की सेल्फी आप ले पाएंगे। अगर रियर साइड में बात करें तो रियर साइड में आपको ड्यूअल कैमरा देखने को मिलता है 12+5 MP का, जिसके माध्यम से आप अच्छी डेप्थ सेंसिंग भी कर पाएंगे, एक बेहतर से डेप्थ यानी कि पोर्ट्रेट मोड में फोटो को ले पाएंगे। यहां पे बात करें अगर इस डिवाइस की बैटरी की तो आपको इस डिवाइस में तकरीबन 5000 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है, यानी कि जो बैटरी बैकअप इस डिवाइस का ओवरऑल बहुत कमाल का होगा क्योंकि इसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी अधिक है और साथ ही साथ जो प्रोसेसर है वो भी एक पावर एफिशिएंट चिपसेट है। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के सेंसर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो, एक्सीलोमीटर हो, चाहे जायरोस्कोप हो, कंपास हो, सभी प्रकार के सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये जो डिवाइस है ओवरऑल बहुत कमाल का है। इस डिवाइस की प्राइस स्टार्ट होती है 12,999 रुपये से। अगर आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव तौर पर flipkart.com पे उपलब्ध है और 18 दिसंबर से इस डिवाइस का सेल स्टार्ट होगा। 12,999 रुपये से इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है काफी हद तक आपके लिए एक बेहतर चॉइस है इस प्राइस में, क्योंकि इस चॉइस को अगर इस डिवाइस को आप खरीदते हैं तो आपको बहुत कमाल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे कम प्राइस में। वैसे तो अगर 15,000 सेगमेंट की बात करें तो वहां पे बहुत सारे कमाल के डिवाइसेज आते हैं जो अपने साथ बहुत कमाल के स्पेसिफिकेशन को कंटेन करते हैं, यानी कि तगड़ा स्मार्टफोन होते हैं। तो ओवरऑल उन स्मार्टफोन में उन लिस्ट में एक नया स्मार्टफोन जुड़ गया है जो है Asus Zenfone Max Pro M2। आप चाहें तो इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।